Good morning students, I am Rukhsar Azhar from Mariam High Secondary School. Today I will teach you the first standard book of computer subject. Okay, हम chapter 3 parts of a computer learn कर रहे थे, जिसमें हम parts of computers study कर रहे थे. हमने CPU, monitor and learn किया. And now start. Complete the names of the parts of a कंप्यूटर. यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिए फिलअप करने के लिए, जो हमें फिल करना है, जैसे CPU, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड. ये मेन बहुत ही तरीके के पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, लेकिन ये जो 4 है ये मेन पार्ट है किसका, कंप्यूटर की. इसीलिए हमने इनको डिटेल में जो है लर्न किया है. अब माउस अनदर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर. आप देख सकते हैं यहाँ पे इनको आपको पिक्चर्स दिखाई हुई है माउस की. एंड ये जो बटन फॉर लेफ्ट क्लिक है, स्क्रोल व्हील है ये, एंड बटन फॉर राइट क्लिक है. जब इन्हीं तीन के थ्रू हम अपने माउस का वर्क करते हैं, जो भी माउस से हम वर्क लेते हैं. जब माउस में बताया गया कि माउस कैसे काम करता है, माउस हैव टू पॉइंट आइटम्स ऑन द स्क्रीन. हमें कोई भी स्क्रीन पे पॉइंट आउट करना है, क्लिक करना है, तो हम माउस के थ्रू करते हैं. टू क्लिक बटन्स होते हैं, वन स्क्रॉल व्हील होता है, एंड विच अपीयर्स ऑन द मोनीटर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटर और कर्सर. हम इसको जो भी एरो हमें मॉनिटर पे थ्रू इसके ज़रिए हम जो भी पॉइंट करते हैं, तो हम उसे पॉइंटर और कर्सर कहते हैं. जब हम अपने मॉनिटर पे स्क्रीन पे देखते हैं, इट हेल्प अस टू ड्रॉ सेलेक्ट एनी आइटम ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. मॉनिटर के थ्रू जब ये उसके साथ कनेक्ट होते हैं, तो हम जो इट हेल्प्स हमारी मदद करते हैं कि हम सेलेक्ट करें किसी भी आइटम को, कुछ भी ड्रॉ करते हैं. तो मॉनिटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ किसके, कंप्यूटर के. एंड द अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कीबोर्ड. कीबोर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर. कीबोर्ड इज़ लाइक अ पेंसिल यूज टू राइट ऑन कंप्यूटर. यहाँ पे कीबोर्ड को एग्जांपल दिए पेंसिल की, कि हम कंप्यूटर में कुछ भी लिखना होता है तो कीबोर्ड के थ्रू हम लिखते हैं, पेंसिल की तरह है. ओके, कुछ भी हमें राइट करना हुआ, कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो अल्फाबेटिक हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, एरोज में हो, वो कीबोर्ड के थ्रू ही होता है. सो की जो मार्क विद लेटर्स में, नंबर्स में, और बहुत सारे अदर सिम्बल्स भी इसमें दिए गए हैं, जैसे F1, F2, फंक्शन, स्पेशल कीज, वन नंबर एंड अल्फ़ाबेट्स, एंटर, कर्सर एंड लेफ्ट राइट कीज़, ये सब. वो यूज़ दीज कीज़ टू टाइप वर्ड्स, सेंटेंस एंड नंबर्स ऑन द कंप्यूटर. हम वर्ड्स, सेंटेंस हुआ, नंबर्स हुआ, कोई भी चीज़ की टाइप करनी हुई, तो हम कंप्यूटर में किसके थ्रू करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू करते हैं. सो डू यू नो सम कीबोर्ड आर माउस वर्क विदाउट बींग अटैच बाय अ वायर टू द कंप्यूटर. दीज आर कॉल्ड वायरलेस कीबोर्ड एंड वायरलेस माउस. जो कीबोर्ड्स, माउस या माउस जो अटैच नहीं होते हैं विदाउट वायर के जरिए, थ्रू तार के जरिए कंप्यूटर्स में, कुछ अटैच होते हैं, कुछ अटैच नहीं होते. जो अटैच नहीं होते हैं वो वायरलेस कीबोर्ड होते हैं और वायरलेस माउस होते हैं. देखते हैं, जैसे प्रिंटर हुआ, स्पीकर, वेब कैमरा, ये भी सम अदर पार्ट्स है किसके, कंप्यूटर के. ये भी एक अदर पार्ट्स है कंप्यूटर के मेन, लेकिन जो मेन पार्ट्स थे वो 4 मेन पार्ट्स थे जो हमने अंडरस्टैंड किए, CPU, मोनीटर, माउस, कीबोर्ड. ओके, ये जो है मेन पार्ट्स है कंप्यूटर के, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल, इम्पॉर्टेंट इनका वर्क होता है थ्रू कंप्यूटर में. ओके, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, CPU मेन पार्ट्स है कंप्यूटर के. इसलिए CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है. मॉनिटर शोज करते हैं रिजल्ट्स एंड इंफॉर्मेशंस. हम देखते हैं मॉनिटर, क्योंकि हमारे थ्रू स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे हमें टोटली रिजल्ट दिखाई देता है. ओके, माउस इज़ यूज टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ऑन मॉनिटर्स. हम पॉइंट कुछ भी माउस के थ्रू कर सकते हैं मॉनिटर पे. कीबोर्ड इज़ यूज टू टाइप वर्ड्स, सेंटेंसेस, नंबर्स ऑन द कंप्यूटर. और कीबोर्ड के थ्रू हम टाइप कर सकते हैं सेंटेंस. तो ये सारी चीज़ें जो है एक इंटरकनेक्टेड होती है एक दूसरे से, इसलिए हम पार्ट्स कहते हैं. पार्ट से अलग अलग, पार्ट से अलग अलग अपना पार्टिकुलर वर्क होता है और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, और स्पेशल वर्क होता है अपना अपना, जो एक दूसरे से कनेक्टेड बन के जो है एक बहुत ही सेव टाइमिंग में और अच्छा एफिशिएंट वर्क हमें मिलता है कंप्यूटर से. ओके, हमारा चैप्टर 3 फिनिश होता है. आई होप यू विल बी अ बेटर अंडरस्टैंड. ओके, थैंक यू.